युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंडल सेरा के उत्तरी वार्ड निवासी दिव्यांग महिला को सुपर 56 अभियान के तहत राशन प्रदान किया है। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष कवि जोशी तथा प्रवक्ता अंकुर उपाध्याय के नेतृत्व में सुपर 56 की टीम ने मंडल सेरा जाकर धनुली देवी पत्नी सुंदर गिरी को खाद्य सामग्री प्रदान की है। यहाँ बता दें कि दिव्यांग महिला धनुली देवी बीते 10 साल से बिस्तर पर पड़ी हैं तथा आधार कार्ड नहीं होने के कारण उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रभावित परिवार ने मदद मिलने पर युवा कांग्रेस का आभार जताया है। तो जब हमें पता चला कि धनुली देवी नामक एक महिला है मंडल सेरा के अंदर, काफ़ी दयनीय स्थिति में और काफ़ी वो बीमार पड़ी है, उसके पैरों की हालत भी काफ़ी ख़राब है, और CCN चैनल के माध्यम से हमें पता चला था कि उस तक ज़रूरतमंद चीज़ों का मुहैया करवाया जाना बहुत आवश्यक है। तो उस तहत हम वहाँ पर धनुली देवी जी के पास पहुँचे, उनके पतिदेव के पास पहुँच के हम लोगों ने राशन मुहैया कराने का काम किया। कोरोना काल में जहाँ पूरा भारतवर्ष परेशान है, पूरी हमारी प्रदेश की जनता परेशान है, और वहाँ पर को यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में लोगों तक आर्थिक सहायता और लोगों तक राशन मुहैया करवाने का लगातार काम कर रहा है। और यूथ कांग्रेस ने सुपर 56 करके एक नंबर और एक बैज हमारा लॉन्च किया है, जिसके हमारे पूरे ज़िले के अंदर, जिसमें हमारे छात्र यूनियन के और हमारे यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हम तक जुड़ रहे हैं और लोगों तक राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उसी के माध्यम से आज जीतनगर, मंडल सेरा और इन जगहों में हमारे पास प्रभावित क्षेत्र हैं जो ज़्यादा ही दयनीय स्थिति में थे, उनके हमारे पास फ़ोन आए और उन तक राशन हम लोगों ने मुहैया कराया, और आगे भी ये मुहिम लगातार चलती रहेगी। हम आपके चैनल CCN के माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, जो भी लोग यूथ कांग्रेस की इस मुहिम को देख रहे हैं, तो कोई भी ऐसी आवश्यकता आप तक, आपको लग रही है कि हम तक आनी चाहिए और नहीं आ पा रही है, तो आप लोग हमसे संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लगातार युवा कांग्रेस हर जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए उनको राशन किट, सैनिटाइजर और मास्क बांट रही है। जैसे कि युवा कांग्रेस बागेश्वर द्वारा सुपर 56 टीम का गठन कर जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए पूरे जिले में ए टीम गठित की गई, और उसी के तहत आज बागेश्वर नगर के अंदर हमारे जिला महासचिव उमेश मन्नाल जी के पास फोन द्वारा लोगों ने अपनी दिक्कतें बताई, और उसी के तहत हम उन जरूरतमंद 10 परिवारों को आज घर में जाके राशन किट वितरित करके आए, और उन जरूरतमंद लोगों को आगे भी भविष्य में कोई भी जरूरत पड़ने पर पूर्ण सहयोग करने की बात भी कह के आए हैं। और जैसे कि हम पूरे ज़िले में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसी के तहत कल कपकोट में भी कमलेश गरिया की जी की टीम के द्वारा जरूरतमंद लोगों को राशन किट पहुंचाई गई। CCN न्यूज़ के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।